एक राइटर एक वैम्पायर लड़की के प्यार में पड़ता है, पर प्रॉब्लम तब आई जब इस वैम्पायर लड़की की सिस्टर इसी राइटर को रिझाने की कोशिश करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द किस ऑफ द डैम ये हॉलीवुड वैम्पायर स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक बड़े से घर में हम हमारी मेन कैरेक्टर जोआना को देख सकते हैं। वो आज रात एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। उसे बहुत ही अकेला महसूस होता है। सुबह होने पर घर में ब्लड पड़ा हुआ था। उसकी मेड वहां पर आई जो इसे पोछ लेती है। इसके बाद अगले दिन वो फिर से मूवी लेने के लिए एक स्टोर में गई। यहीं पर उसकी नजर पाउलो से मिली जो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। पाउलो को भी जोआना बहुत अच्छी लगी थी। बाहर बारिश आ रही थी तो जोआना घर जाने के लिए जरा वेट करती है। तभी पाउलो ने उसे अप्रोच किया, उसे ड्रिंक के लिए पूछता है। ये दोनों ड्रिंक के लिए आए और एक दूसरे को जानने लग गए। पाउलो एक्चुअल में एक स्क्रीन राइटर है। वो अच्छे से राइट कर पाए इसीलिए एक डिस्टिंक्ट टाउन में वो आया हुआ है। जोआना कहती है कि मैं पोएट्री ट्रांसलेट करने का काम करती हूँ। उसे एक रेयर स्किन कंडीशन है जिस वजह से वो सनलाइट में बाहर जा नहीं सकती। उसे दिन भर घर में ही काम करना पड़ता है। ये दोनों फिर जोआना के घर पर आकर टीवी देख रहे थे। थोड़ी देर में पाउलो जोआना को किस करने लग गया। जोआना ने रियलाइज किया कि बहुत बड़ी गलती होगी। उसने उसे रोक लिया, जाने के लिए कहा। पाउलो कहता है मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। जोआना को पाउलो को इस तरीके से जाने देना पड़ा तो इसके लिए वो बहुत रोती है। अगले दिन पाउलो ने जोआना के घर पर कॉल किया जो मेड ने उठाया हुआ था। पाउलो ने जोआना के लिए मैसेज दिया कि आज रात वो एक बार में उसका वेट करेगा। उसने बहुत देर तक उसकी वेट की पर वो आई ही नहीं। डायरेक्टली फिर उसके घर पर वो पहुंच जाता है। जोआना डोर पर चेन लगाकर ही डोर थोड़ा सा ही खोलती है। उसे अब भी अंदर आने नहीं दे रही थी। पाउलो कहता है तुम्हें जो भी बीमारी है हम सारा कुछ फिगर आउट कर सकते हैं, प्लीज मुझे अंदर आने दो। जोआना उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। ये बाहर से ही उसे किस करने लगता है। किस करते करते पाउलो का लिप पर उसने बाइट कर दिया। ये बहुत ही डेंजरस बाइट था और जोआना ने पाउलो को घर जाने के लिए कहा। अगले दिन सुपर शॉप में दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं। जोआना यहाँ से चली गई। अगली रात वो उसके घर पर पहुंच गया था। आज रात जोआना ने उसे अंदर आने दिया। वो जोआना को फिगर आउट कर नहीं पा रहा था। जोआना ने कहा मेरे पास आओ। उसने उसे अपने दिल पर हाथ रखने के लिए कहा। कहती है मुझे हार्ट ही नहीं है, मैं सनलाइट में कहीं बाहर नहीं जा सकती, मैं एक वैम्पायर हूँ। पाउलो इस बात पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करता। जोआना फिर उसे अपने बेडरूम में लेकर आती है। यहाँ पर उसने चेन्स वगैरह बांधी हुई थी। पाउलो ने उसे बांध दिया और उसे किस वगैरह करने लग गया। उसे गलत लग रहा था पर उसे देखना था कि जोआना उसे क्या दिखाना चाहती है। वो जब एक्साइटेड हुई तो उसके दांत निकल आए थे। उसकी आंखों का कलर भी बदल गया था। पाउलो को फाइनली बिलीव हुआ पर फिर भी वो नहीं डरता। जोआना के कफ्स वगैरह वो निकाल देता है। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लग गया। तभी जोआना पाउलो को काट लेती है। सुबह होने पर जोआना ने कहा तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। पाउलो को काटने के बाद वो भी अब वैम्पायर बनेगा। यह एक वे था उसके साथ वो रह सकती थी। अब वो उसे इस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ चीजें सिखाएगी। इस घर में इनकी जो मेड है इसे रेयर ब्लड डिसऑर्डर है। इस वजह से जोआना को उसका ब्लड टेस्ट करने की अर्ज नहीं होती। वो किसी भी ह्यूमन को हर्ट नहीं करती, सिर्फ एनिमल के ब्लड पर ही जीती है। जोआना ने पाउलो से कहा कि हम कभी भी एज नहीं होंगे, अगर हमें चोट भी आई तो जल्दी से हील हो जाते हैं, हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। जोआना पाउलो को हंट वगैरह करना सिखाती है। इसी के पैरेलल में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर मिमी को देखते हैं। मिमी एक रेकलेस वैम्पायर है। उसे जो लगता है वो कर डालती है। किसी को भी टर्न कर दिया, किसी भी सिटी में चली गई। एक रात अचानक से वो पाउलो और जोआना के पास आ गई। एक्चुअल में वो जोआना की सिस्टर है। जोआना हमेशा मिमी को उसके बिहेवियर के लिए बहुत ही हेट करती है। मिमी ने आकर कहा कि एक वीक के लिए मैं यही रहूंगी। एक्चुअल में जिस घर में वो रह रहे हैं ये उनका नहीं है, एक वैम्पायर एक्ट्रेस है, उसने उन्हें रहने के लिए जगह दी हुई थी। रात में फिर ये सब मिलकर बात कर रहे थे। एक्चुअल में मिमी 5 साल से एक ही जगह पर रह रही थी, पर वो कहती है मेरे फ्रेंड्स सारे लोगों को पता चलने लग गया था, इस वजह से मुझे मूव होना पड़ा। पाउलो को मिमी से बात कर उसे जानकर लगता है कि ये नॉर्मल है, पर जोआना उसे कहती है कि वो क्रेजी है, तुम्हें बाद में पता चलेगा। अगले दिन जब जोआना और मिमी बात कर रहे थे तो मिमी ने कहा क्या तुम अकेली पड़ गई थी, क्या इसीलिए तुमने पाउलो को टर्न किया। तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करती हो पर अगर सचमुच में करती तो उसे इस तरीके से टर्न नहीं करती, ये वैम्पायर की लाइफ बहुत ही हार्ड है। जोआना को इस पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने एक्ट्रेस को कॉल लगाया, कहा कि मिमी यहाँ रह नहीं सकती, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी कर सकती है। एक्ट्रेस कहती है कि मिमी ने मुझसे बात की थी, वो बदल रही है। एक रात पाउलो जोआना को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया।
उसे पता था कि जोआना को इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा। उसे कहता है, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, एक जगह पर जाकर एक अच्छा सा घर हम बाय कर सकते हैं, एक नई स्टार्ट कर सकते हैं। जोआना को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा और ये इनका प्लान बन चुका था। इसी के पैरेलल में मिमी एक क्लब में गई, वहां पर एक लड़के से मिली, उसके साथ इंटीमेट होकर उसे टर्न कर देती है। आज रात जोआना और पॉल ने एनिमल की शिकार की थी। इसी एनिमल को पाउलो जब बरी कर रहा था, तभी मिमी उसके पास आई। वो उसे कहती है, जोआना को तुमने बाइट करने दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें कुछ मेंटली प्रॉब्लम है? मुझे तुम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लगते हो, जो उसके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। वो यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। पाउलो उसे बाहर में जाने के लिए कहता है। इसके बाद एक रात ये एक्ट्रेस के पास एक पार्टी में आए हुए थे। यहाँ पर जोआना पाउलो को सब लोगों से मिलाती है। इस पार्टी में सब लोग वैम्पायर ही थे। कुछ लोगों को ये वैम्पायर की लाइफस्टाइल अच्छी लगती है तो कुछ लोगों को नहीं। ये जब सब मिलकर डिस्कस कर रहे थे तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें ह्यूमंस पर हमला करना चाहिए, ये वर्ल्ड अब हमें बिलोंग करता है। एक्ट्रेस कहती है कि मेरे पास सिंथेटिक ब्लड है, गवर्नमेंट हमें सप्लाई कर सकती है। अब तक किसी भी ह्यूमन को पता नहीं है, अगर पता चला तो इन्हें मार डालेंगे, इस वजह से गवर्नमेंट से कुछ भी बात नहीं कर सकते। मिमी इस पार्टी से जल्दी घर चली गई। वो दो लोगों के साथ जाकर घर में इंटीमेट हो रही थी। जब जोआना घर पर पहुंचे तो इन लोगों को घर से बाहर निकाल देती है। इन दोनों में झगड़ा हो गया था। अब बहुत ही रात हो चुकी थी। ये दोनों लोग जो घर से बाहर निकले अब डर रहे थे। अचानक से मिमी ने उन पर हमला कर दिया। अब वो लोग जब गायब हो गए तो जोआना मिमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो उसे कन्फ्रंट करती है, कहती कि वो गए कहाँ। मिमी कहती कि वो हॉस्पिटल में होंगे। जोआना उस पर चीट रही थी तो मिमी ने डायरेक्टली उसका गला पकड़ लिया, कहती है मेरी लाइफ से दूर रहो, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। अब बहुत दिन हो चुके थे पर पाउलो ने अपने एजेंट को कॉल नहीं किया था। एजेंट उसके लिए वरी कर रहा था तो उसके टाउन में आ गया। हर जगह पर उसने उसे ढूंढने की कोशिश की पर कहीं भी ढूंढ नहीं पाया। फाइनली वो बार में आया, बारटेंडर से बात करता है, उसका पता पूछता है। एक्चुअल में बारटेंडर पाउलो को लाइक करती थी, इस वजह से उसे पता था कि पाउलो अब जोआना के साथ रिलेशनशिप में है। ये एजेंट जोआना के घर पर पहुंचा, वो बहुत ही इंप्रेस्ड हो चुका था। पाउलो से कहता है कि अब मैंने राइटिंग भी स्टार्ट कर दी है। एजेंट ने जब ये पेजेस पढ़े तो बहुत ही इंप्रेस्ड हुआ। ये डिनर पर जोआना से कहता है, तुम्हारी वजह से पाउलो में बहुत सारा चेंज आया है। पहले वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बहुत ही अजीब सी बुक्स लिखता था, अब इस बार उसने बहुत अच्छी बुक लिखी है। फाइनली वो इंसानों की तरह लग रहा है। वो उन दोनों के लिए बहुत खुश था। इनका डिनर हुआ पर एजेंट बहुत ही ड्रंक हो चुका था। वो पाउलो से पूछता है कि आज रात में यही रुक सकता हूँ, इन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। रात में अचानक किसी ने एजेंट पर हमला कर दिया, ये सब ना जोआना को आता है। सुबह होने पर वो एजेंट का रूम देखने के लिए गई, तब उसे पता चला कि सपना नहीं था, एक्चुअल में उसने एजेंट को मारा था। वो रात में अपनी अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। वो ये सारी जगह साफ वगैरह कर इसे कंट्रोल में ले लेती है। पाउलो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देती। जोआना को लगता है कि मिमी उसके लाइफ में फिर से वापस आए, उसी के इन्फ्लुएंस की वजह से उसे भी अर्जेस वापस आ रही है। मिमी को घर से निकालने के लिए उसने एक्ट्रेस को कॉल किया। वो कहती कि मिमी किसी को भी टर्न कर रही है, वो बहुत ही रेकलेस है, हम उसे इस टाउन में नहीं रहने दे सकते। एक्ट्रेस ने कहा कि थोड़े दिनों में मेरा प्ले है, वो देखकर यहाँ से चली जाएगी, थोड़े दिनों की तो बात है। ये सारी बातें यहाँ की सर्वेंट सुन रही थी। अब इसके बाद उस एक्ट्रेस की प्ले की नाइट आई। ये प्ले बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। ये प्ले देखने के लिए जोआना और पाउलो आए हुए थे पर जल्दी से यहाँ से चले गए। एक्ट्रेस से मिलने के लिए एक टीनेजर लड़की बहुत ही एक्साइटेड थी, ये मिमी ने देख लिया। उसे कहती है, मैं उस एक्ट्रेस की फ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ उसके घर पर चल सकती हो। आजकल जोआना मिमी को लेकर बहुत ही वरीड थी। पाउलो उसे कहता है कि ज़्यादा वरी मत करो। जब वो शावर ले रहा था तो अचानक से पीछे से मिमी उसके पास आ गई। वो उसे किस करने लगती है, उसके साथ वो इंटीमेट हो गए। जाते जाते उसे कहती है, अगर तुम मुझे चाहते नहीं तो मेरे साथ इंटीमेट नहीं होते, इसमें गलती तुम्हारी भी है। ये जोआना से रिवेंज लेने का मिमी का प्लान था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में टीनेजर को लेकर मिमी एक्ट्रेस के घर पर आ गए। उन दोनों को उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया। एक्ट्रेस इस बात से बहुत गुस्सा हो गई थी। वो मिमी से अकेले में बात करती है, कहती है कि मैं 100 ईयर से मैंने किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो अपनी अर्ज कंट्रोल करना ये बहुत ही हार्ड होता है। एक्ट्रेस को इस टीनेजर को देखकर कंट्रोल करना बहुत ही हार्ड था। मिमी कहती कि मैं उसे लेकर जाती हूँ। मिमी ने टीनेजर को जाने से पहले पानी दिया पर ये ग्लास टूटा हुआ था, इस वजह से टीनेजर इंजर्ड हो गए। ब्लड देखकर अब एक्ट्रेस अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई।
वो इस टीनेजर को मार डाल दिया। इसके बाद मिमी ने एक्ट्रेस से कहा, इस सब चीजों को मैं देख लूंगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस सिर्फ तुम इस टाउन में मेरे लिए घर लेकर दो। मिमी हमेशा से यही रहना चाहती थी, तो इसीलिए उसने प्लान किया, एक्ट्रेस को फंसा लिया और अब उससे पैसे लेकर वो घर बाय करेगी। नेक्स्ट डे पाओलो और जोआना ये दोनों अलग सिटी में जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले थे, पर अब पाओलो को बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा था। मिमी और उसके बीच में जो भी हुआ ये सब बात वो जोआना को बता देता है। वो बेचारी बहुत ही हर्ट हो गई थी, वो बहुत रोई। इन दोनों ने इस पर बहुत सोचा। जोआना भी फिर कन्फेस कर दिया, तुम्हारे एजेंट को मैंने मार डाला था। दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं, ये दोनों अपनी लाइफ एक साथ ही जीना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे को उन्होंने माफ कर दिया था। अब मॉर्निंग में जब मिमी घर आ रही थी तब अचानक से उसके गाड़ी के सामने डियर आ गया, इस वजह से उसका कंट्रोल चला जाता है। गाड़ी एक पेड़ से टकराए और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। अगर वो पूरी तरीके से सुबह होने से पहले घर पर नहीं पहुंची तो उसकी स्किन बर्न करने लगेगी, पर अपनी चोटों की वजह से वो कुछ भी कर नहीं पाती। सनलाइट की वजह से उसकी स्किन पर बर्न आने लग गए थे। वो क्रॉल करते करते घर आने की कोशिश करती है, पर रास्ते में उसे उनकी मेड मिली। मेड ने जोआना की बातें सुनी थी, उसे पता था कि मिमी एक बहुत ही घटिया वैम्पायर है। वो इनोसेंट ह्यूमन को मार डालती है, इस वजह से उसने उसकी कोई भी हेल्प नहीं की। इसके ऑपोजिट में मेड ने मिमी को मारकर उसकी बॉडी बैग में भर दी। इसके बाद पाओलो और जोआना ये अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक अलग सी सिटी में चले गए। ये जैसे भी है वैसे इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।